नमस्कार जय श्रीम दोस्तों, आज हमने हमारी रूम में वेजिटेरियन मीट का करी कर रहे हैं और इसके लिए हमने वेजिटेरियन मीट का एक पैकेट लिए हैं, वो है उसको खोल लिया है और खोलने के साथ उसको अपनी जितनी साइज की पीस चाहिए उसको टुकड़े टुकड़े कर लिए। उसमें हमने हल्दी, ये हल्दी, उसके साथ नमक और मीट मसाला का मिक्स करके उसको हमने ढक लिया है, तो मिनट करके रख लेते हैं। और उसके साथ हमारी मसाले की प्रिपरेशन चल रहा है, अदरक और लहसुन, उसके साथ और क्या, प्याज। उसके साथ थोड़ा आलू को हमने डाला है और प्यान को यहाँ गरम किया जा रहा है, इसमें आरसीएम का राइस ब्रान हेल्थ कार्ड तेल है और राइस ब्रान ऑयल डाला जा रहा है। उसमें तेल को, ऑयल को गर्म होने के बाद उसमें हम प्याज प्याज को डाल दिया है। प्याज के बीच में हमने मिर्ची का पाउडर थोड़ा डाल दिया है रेडी के लिए, कलर के लिए। और अच्छे से कलर भी आ गया है इसका। और उसके बाद हमने तैयार करके रखा है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, उसमें हम डालेंगे थोड़ा प्याज रेडी से होने के बाद। उसमें ये जो पेस्ट रखा है हमने, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, उसको डाला जा रहा है। उसके बाद चिकन का मसाला डाल रहे हैं। उसमें थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। नमक उसके बाद लगाया जा रहा है। कटा हुआ टमाटर और उसके बाद टमाटर कटा हुआ डाला, इसको अच्छे से मसाला डाल लीजिए। और कुछ समय के बाद उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। उसमें पेस्ट बनने के बाद उसमें आलू को डाल रहे हैं। आलू को पकने के लिए उसमें थोड़ा मिक्स कीजिए। उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। आलू को हमने थोड़ी समय के लिए छोड़ दिए थे पकने के लिए, उसको निकाल के देख रहे हैं और अच्छी सी खुशबू भी आ रहा है, के लिए छोड़ देंगे। तो ये कितने पानी देंगे, थोड़ी सी पानी को डाल के उसमें हम वेजिटेरियन मीट को डालेंगे। मिक्स कर दीजिए आलू के साथ, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए पकने के लिए। तो हमने थोड़ी समय के लिए पानी देके छोड़ दिए थे ग्रेवी बनाने के लिए अपने हिसाब से, और ये भी अच्छी तरह से हो गया है। जितनी आपकी ज़रूरत है ग्रेवी को उतनी ही रखिए, और ये अच्छी खुशबू भी आ रहा है। तो
थैंक यू दोस्तों। और इसको बना रहे थे हमारी जो फ्रेंड, वो बना रहे थे इस वेजिटेरियन मीट को, और मैं लक्ष्मीकांत छोटरा वीडियो बना रहे थे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बना के पोस्ट कर सकें।